बीसीसीआई का हार्दिक पंड्या पर जबरदस्त एक्शन, खत्म नहीं हो रही है हार्दिक पंड्या की मुश्किलें। स्टेडियम में हूटिंग और एक के बाद एक मैच हारने के बाद अब एक और बड़ा एक्शन। 2024 के आईपीएल में हार्दिक पंड्या पर क्या चढ़ गई है साढ़े साथी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आईपीएल मुकाबलों की और खास तौर से हार्दिक पंड्या की। हार्दिक पंड्या के लिए 2024 का यह सीजन कुछ खास नहीं रहा है। लगातार कुछ ना कुछ मुश्किलें परेशानियां हार्दिक पंड्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहले रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीनकर हार्दिक पंड्या को दी गई, जिसके बाद रोहित शर्मा के फैंस उनसे इस कदर नाराज हुए कि स्टेडियम में उनके खिलाफ जबरदस्त हूटिंग करते हुए नजर आए और एक नहीं कई मैचों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। और उसके बाद एक के बाद एक लगातार मुंबई इंडियंस मैच हार रही है। अभी तक मुंबई इंडियंस ने 7 मैच खेले हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीतकर मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़ा एक्शन आखिरकार हार्दिक पंड्या पर क्या हुआ है। आईपीएल 2024 में 18 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ। इस मैच को मुंबई ने रोमांचक अंदाज में 9 रनों से जीता, लेकिन हार्दिक पंड्या को मैच के बाद तगड़ा झटका लगा। हार्दिक की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इस सीजन में पहली बार स्लो ओवर रेट के तहत गेंदबाजी की, जिसके बाद उन पर बीसीसीआई ने 12 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा, आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पहली बार उनकी टीम यानी कि मुंबई इंडियंस का इस सीजन का पहला ऑफेंस था, इसलिए पंड्या पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो ये बड़ा एक्शन बीसीसीआई के द्वारा हार्दिक पंड्या के खिलाफ लिया गया है, जिसमें 12 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगा दिया है। चलिए बात करते हैं कि आईपीएल में और कौन कौन से वो कप्तान थे जिन पर फाइन की मार पड़ी। हार्दिक से पहले आईपीएल में स्लो ओवर रेट की मार कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान सुरेश अय्यर पर 16 अप्रैल को पड़ी थी। राजस्थान रॉयल के खिलाफ टीम के आईपीएल 2024 खेल के दौरान स्लो ओवर रेट रखने की वजह से 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। स्लो ओवर रेट की वजह से केकेआर को दूसरी पारी के अंतिम ओवर में निर्धारित 5 फील्डर्स के विपरीत 4 फील्डर्स के साथ मैच खेलना पड़ा था। इतना ही नहीं, ऋषभ पंत पर 24 लाख का जुर्माना लग चुका है। जी हाँ, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 3 अप्रैल को हुए मैच में 106 रनों से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। उस मैच में दिल्ली ने दूसरी बार स्लो ओवर रेट से गेंदबाजी की थी, इस वजह से ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा नुकसान हुआ। पंत पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के अन्य सदस्यों पर 6 लाख उनकी मैच फीस का यानी कि 25% कम किया गया था। ऋषभ पंत पर 24 लाख का जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि उन्होंने यह ऑफेंस एक नहीं दो बार किया था। इससे पहले ऋषभ पंत पर चेन्नई के खिलाफ मैच में भी स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। इसी वजह से 12+12 यानी कि 24 लाख रुपए की मार ऋषभ पंत ने झेली है। तो वहीं गिल और संजू सैमसन पर भी जुर्माना लग चुका है। 10 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया था। इस मैच में गुजरात ने राजस्थान को 3 विकेट से हराया था, लेकिन मैच में स्लोअर रन रेट की वजह से संजू सैमसन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं शुभमन आईपीएल के पहले कप्तान थे जिन पर स्लो ओवर रेट के तहत जुर्माना लगाया गया। गिल चेन्नई के खिलाफ आईपीएल मैच में तय समय पर पूरे ओवर नहीं करा पाए थे। चलिए आपको बताते हैं कि स्लोअर रेट का फाइन आखिरकार लगता कैसे है, क्योंकि इसी की वजह से जो कप्तान है उन्हें ये चपत भी लगती है। दरअसल आईपीएल में अगर कोई पहली बार स्लोअर रेट का दोषी पाया जाता है तो उस पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार कप्तान पर यह राशि डबल कर दी जाती है यानी कि 24 लाख रुपए, और टीम के सदस्यों पर 6 लाख यानी कि उनकी मैच फीस का 25% कम कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई टीम तीसरी बार ये ऑफेंस करती है तो कप्तान पर 1 मैच का बैन लगा दिया जाता है। तो ये था आईपीएल में बीसीसीआई के एक्शन का पूरा मामला, जिसमें हार्दिक पंड्या को हाल ही में अब 12 लाख रुपए का तगड़ा झटका लगा है। लेकिन हार्दिक पंड्या ही अकेले वो कप्तान नहीं थे जिन्हें ये चपत लगी है, इसके अलावा भी कई और कप्तान थे जिनके बारे में हमने इससे पहले आपको बताया। आईपीएल की इसी तरह की और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स और लाइक करना मत भूलिए।